फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू कुक विद विनीता। आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी फिंगर्स, जिसके लिए हमें चाहिए बटर। और यहाँ पे हमने अदरक को क्रश करके रखा है, ग्रीन चिली को भी क्रश करके रखा है, और हरा धनिया, नमक, चिली फ्लेक्स और दो पटेटो हमने यहाँ पे बॉईल करके रखा है। और यहाँ हमने एक कटोरी सूजी ले रखी है। तो अब हम यहाँ पैन ले रहे हैं, उसमें हम बटर डाल रहे हैं। जिंजर पेस्ट है, आप चाहे तो इसमें गार्लिक भी डाल सकते हैं। और हमारी सूजी डाल रहे हैं, इसको अच्छे से सेक लेंगे। बस हमने इसको अब सेक लिया। एक्चुअल में सेकना नहीं है इसको, जिंजर और बटर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, इसलिए हमको इसको हिलाना है। और अब हम इसमें पानी डालेंगे। हम इसमें 1.5 डालेंगे पानी बाउल। वन एंड हाफ हमने इसमें पानी डाला है, हम इसे अच्छे से हिला के और 10-12 मिनट्स के लिए इसे ढक देंगे, ताकि ये थोड़ा सा पक जाए। तो ये हमारी पक चुकी है, इसे हम अब बॉल में निकाल लेते हैं। अब हमारे सूजी के अंदर हम डालेंगे पटेटो, जो हमने बॉईल करके रखे थे उसको हमने क्रश करके रखा है, वो हमने इसमें डाल देंगे। ग्रीन चिली, ये हमारा कोरिएंडर है, और ये चिली फ्लेक्स है। अब हम इसमें सॉल्ट और ऐड कर देंगे। अच्छे से इसे मिला देंगे। अभी हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम अपनी सूजी फिंगर्स रेडी करेंगे। तो हम अपने हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। यहाँ पे हमारे सूजी फिंगर्स बना के रेडी रख रखे हैं, और अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो हमने यहाँ पे ऑयल रखा है जो गर्म हो चुका है, और हम हमारे सूजी फिंगर्स को फ्राई करते हैं। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। बिल्कुल अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, और एकदम देखिए टूटने में कितना क्रिस्पी और टेस्टी सा नाश्ता है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर देंगे। ग्रीन चटनी और सॉस के साथ आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।